मीना बेटा बटर कप। तुम मां नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगे। मीना बेटा बटर कप। पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक, किसी को कॉल भी नहीं जा रही। मेरे ख्याल से हमें पुलिस मदद देनी पड़ेगी और पूरी सर्च पार्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सर्दी में मीना रात सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रहम करो जवानी भाई, रहम करो। अपन रहम नहीं खाता, अपन वेजिटेरियन है और तेरा नकली बच्चा लोग अब तेरे को नहीं बचा सकता। अपन अकेला है रात, तेरे पीछे खड़ा है, पीछे मुड़ के नहीं देखने का। अपन तेरे को बोला था ना, तुमको पेन नहीं होगा, सो जा। अपन तेरे को बोला था तू किमाड़ी है या मरी, अपन तेरे को ढूंढ लेगा। चवन्नी भाई, अबे ये डेड हो के भी फोन पे बोले रहे, या अपन ड्रीम करेला? अरे चवन्नी भाई, मैं तो जिंदा हूँ। लगता है आपने गलत बंदा फड़का दिया। आप मरी में? हाँ, मैं मरी में हूँ। मैं तो वापस घर आ गया हूँ। तो अपन किसको मारा है? अबे ये तो ठुल्ला है। अबे राहत, तू एक जगह टिकता काहे को नहीं है? तू अपन से ठुल्ले का मर्डर करा ले। चवन्नी भाई, आपका जीपीएस खराब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने मार दिया उसे? नहीं बे, अपन तेरे को मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। एक बार पहुंच जाए अपन तेरा जॉब फिनिश करके छोड़ेगा। अपन है किधर? अच्छा चवन्नी भाई, रहम का है, रहम का है चवन्नी भाई। कितनी बार बोला है अपन वेजिटेरियन है। खलास बज गए, रात बज गए। हाय मीना, देखा तूने रात ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है? आप करके बुला रहा था जुमा। मामा प्लीज मुझे सोने दें, पूरा दिन मैं पहाड़ों पे ऊपर नीचे करती रही हूँ। आप भी तो जुम्मा के पैर पड़ रही थी। तो क्या करती, जरूरत पड़े तो गधे को भी मुंह लगाना पड़ता है। तू सीख कुछ। मामा और भी तरीके होते हैं, और भी कोई डिफरेंट तरीके हो सकते थे जुम्मा की केयर करने के। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करें, 3 करोड़ मिल तो गए हैं, और क्या चाहिए, बहुत है हमारे लिए। थोड़ा सा इत्मीनान रखें अब। कहाँ से लाऊं इत्मीनान, मेरे नसीब में तो इत्मीनान है ही नहीं। तुझे पता है तेरे पापा के फोन पे ना लड़कियों की कॉलें आती हैं? वैसे तो फोन उठाया नहीं जाता। आ जाए इस बार, देखना कैसा सीधा करती हूँ। मामा वो अब नहीं आने वाले, उन्होंने पहले भी आपके साथ हैंड किया है। उसका तो पेओ भी आएगा, आधा सामान पड़ा है उसका यहाँ पे, लाकर में चेक रखवाने गया है। पैसों की जरूरत होगी तो आएगा ही ना। कौन सा चेक? वही हमारा 3 करोड़ वाला। मामा आर यू सीरियस, आपने वो 3 करोड़ का चेक पापा को दे दिया? हाँ तो मामा आपको अंदाजा है आपने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? आप चेक भी भूल जाए और पापा को भी भूल जाए, दोनों नहीं आने वाले। ऐसा क्या दिखता है आपको पापा में जो आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करती हैं? क्या मतलब है तेरा? हाँ देख बेटा, तेरे बाप में ना 100 नुक्स हैं, पर वो चोर उचक्का नहीं है। तुझे क्या लगता है वो चेक लेके भाग जाएगा? भाग जाएगा नहीं, भाग चुके हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी क्यों तबाह करने में तुली हुई आप? हाँ तो क्या करती, हाथ में लिए लिए फिरती?
कहीं गुम हो जाता, चोरी हो जाता। मामा अब आप ना जो करना चाहती ना आप करें, मुझे ना कुछ सुनना ही नहीं है, अपनी मर्जी से जो करना है करती हो। अच्छा मेरी बात तो सुन बेटा, कहाँ जा रही है? मीना मेरी बेटा, उफ एक तो ये लड़की भी ना फौरन जज्बाती हो जाती है। अरे रब्बा, अरे अल्लाह, ये मैंने क्या की? हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया, मुझे तो बताया होता। अरे मुझे क्या पता था, और तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए तो छुपाया था। अभी तो जैसे मैं बहुत कम परेशान हूँ ना। अरे मुझे क्या पता था कि बैंक सारे पैसे जब्त कर लेगा, मैं तो गुंडों को पैसे देने गया था, और मैंने बोला था ना मरी नहीं जाते, बोला था ना, लेकिन तुम्हें तो सैर सपाटे का शौक चढ़ा हुआ था। अगर यहाँ होते तो अगले 3 करोड़ जीत जाते शायद, या फिर चवन्नी भाई को ही रहम आ जाता। हाँ चवन्नी तो जैसे आपका लंगोटी है ना, वो आपकी जान लेने आना था, उसने कोई रिश्ता लेने नहीं आना था और मुझे बेवा कर देना था। खबरदार, चवन्नी भाई कोई आम गुंडा नहीं है, उसकी गुफ्तार से नफासत टपकती है। बहुत इंतजार था मुझे उसका, लेकिन इस पिकनिक ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कोई हल तो होगा इसका। हाँ क्या हुआ? अगर हम जुम्मा की सही से खिदमत करें और उसे शहजादों की तरह रख कर 3 करोड़ जीत जाएं, और बाकी की अदायगियां करें अगले मुकाबले जीतने के बाद, चवन्नी भाई को तो थोड़े अरसे के लिए टरखाया जा सकता है। अभी 21 करोड़ बाकी हैं। ये चैलेंज जीतने के बाद मेरी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, यही तो डील। तुम्हें कैसे पता? आई नो, ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। आई एम नॉट किडिंग, यही सच है, तुम लिख के ले लो। लो फिर डिवोर्स पेपर, इतनी जल्दी है तो साइन कर दो। मेरा दिल कहता है मैं जल्दी नहीं करनी चाहिए, एक और चांस देना चाहिए, पर दिमाग डरता है कि कहीं हालात पहले जैसे ना हो जाएं। आई डोंट नो, कुछ दिन रियलिटी को और डिले करके देखते हैं, क्या पता कुछ बेहतर हो।
राहत साहब, और कितनी अदायगी करनी है? क्या बोल रहे हैं? ऊंचा बोल रहे? 9-10 करोड़ भाई। 9-10 करोड़? ये इतने पैसे कहाँ लगा दिए आपने? सॉरी, जिंदगी एक चवन्नी नहीं देखी और अब इस जानलेवा चवन्नी को देखना होगा। हाउसिंग स्कीम में लगाया ना मैविस, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी प्यारी 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 मैविस, मेरी किशमिश। देखो, और कोई रास्ता नहीं है, मैं जुम्मा को संभालता हूँ, तुम जुम्मन के तरले कर लो। राज साहब, सारी जिंदगी आपका साथ दी है, अब आप भी कुछ एहसास कर लीजिएगा। मैं एहसास करूंगा ना, मैं एहसास हो गया हूँ। अब जब सारी जिंदगी साथ दिया है तो आप भी साथ दो ना। अमीना, ओ मीना, मीना की बच्ची, तू किधर थी सारी रात? हाँ, मैं ढूंढती रही हूँ ना तुझे, किधर थी तू ये बता। जिधर हमेशा होती हूँ, लाउंज में। आपने सुकून से मुझे सोने कब दिए? कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी पापा आ जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं। अच्छा मीना, तू ना गुस्सा छोड़ दे, माफ कर दे, और मेरा एक काम कर दे बेटा। देख, ये फोन ना तेरे पापा का है, इसे खोल दे। क्यों? उनका तो फोन बंद है ना। हाँ, गायब हो गए क्या दोबारा? डाका डाल के भागेगा किधर? मामा, आपने खुद अपनी मर्जी से उनको चेक पकड़ा है, डाका नहीं डाला है उन्होंने। अच्छा पापा, तू ठीक है और मैं गलत, अब खुश है? चल जल्दी से ये फोन खोल के दे मुझे, मैं इस दो नंबर टम्मी का तो पता कराऊं ना जरा। रुके, ट्राई करती हूँ। मामा, ये तो लॉक है, लॉक कैसे खोल सकती हूँ मैं? नहीं खोलेगा, ब्लू मैं, मुझे कोई तरीका निकालना, खोल इसे। मामा, मैंने ना कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है जो तरीके निकालूं मैं, मुझसे नहीं होगा ये। हाय रब्बा, अभी एक कट्टा बंद नहीं होता कि दूसरा खुल जाता है, अब मैं क्या करूं? मीना बेटा, तू एक काम और कर दे मेरा, ये जुम्मा और जुम्मन को ना खुश करने की कोशिश कर दे। क्या करूं, डांस करूं उनके सामने? ना, तू मुझे आज एक बात बता दे, क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? हाँ, माँ हूं मैं तेरी, माँ। अच्छा ना, रुक जाए, पता कराती हूँ मैं कुछ। आप वो जुम्मा की खिदमत करें, मैं जुम्मन को खुश करती हूँ, और चेक का भी जरा पता कराती हूँ। हाय मीना, कैसे पता कराएंगे? है एक आदमी जिसे काम आता, मैं जा रही हूँ चेंज करने, आप वेट करें, फोन ना अपने पास है, इसका कुछ नहीं होगा। नाराज हो मुझसे? गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक? अरे तुम रो रही हो, ये प्यास के आंसू हैं या एहसास के? आपको क्या लगता है? प्यास के आंसू। पहले तो सिर्फ प्यास ही के थे, पर अब मैं असल में रो रही हूं। हटे मैरिज।
महवेश महवेश मेरी किशमिश, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। हैं, देखो तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो, तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं सहारा हूँ, मैं सहारा हूँ? ऐसे करते हैं सहारे के साथ? मुझे नहीं बनना आपका सहारा, और आप मेरे शौहर हैं, आपको बनना चाहिए मेरा सहारा। मैं आपकी शौहर नहीं हूँ, और ये आपको कोई समझाने वाला है क्यों नहीं? बाजी बाजी, आप अपने भाई को समझाती क्यों नहीं आखिर? अरे नहीं नहीं, तमन्ना से नहीं। अब क्या हो गया है? कुछ भी नहीं प्यारी बहना, बस आपस में कुछ ऊंच नीच हो गया। क्यों नहीं हुआ कुछ? बाजी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके भाई की करतूतों की वजह से ना मैं एक दिन बेवा हो जाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा था इससे शादी करने के लिए? हाँ, खूबसूरत हो, जवान हो। मैं तो कहती हूँ कि जैसी इसकी सांस निकलेगी ना, तुम इद्दत विद्दत ना करना, फौरन शादी कर लेना, बल्कि मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। और लो कर लो बात। बाजी मैं बहुत संजीदा हूँ, और आप नहीं जानती हालात बहुत तश्वीशनाक हो चुके हैं। ओ महवेश तू फिक्र मत कर, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला ये। और तुम लोगों को कोई एहसास है? मेरे अपने इतने स्यापे हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों, अब तुम दोनों में से किसी को ये फोन खोलना आता है? लाओ मुझे दो। और ये जुम्मा किधर है? बाजी आपको जुम्मा की और फोन की पड़ी हुई है, यहाँ पर आपके भाई के जानो माल को खतरा है। किसकी जान को खतरा है? तुम्हारे भाई की और किसकी? अरे भाभी इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हाँ इनकी जान की वजह से दूसरों के माल को जरूर खतरा होता है। ला, सुन लिया तुमने? ये सब लोग मेरे दुश्मन हैं, बस तुम मेरी बात नहीं मानना। किधर रह गया ये जुम्मा? क्यों? उसकी खिदमत कर ली है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ये लो, खुल गया फोन, ये लो। थोड़ा थोड़ा। और रात मैंने तुझे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा था, तूने पूरा फोन खोल के रख दिया। और जो मैं कह रही हूँ उसका क्या होगा? तुम्हारी सिर्फ मैं सुनता हूँ, पर तुम्हें मेरी कदर नहीं है। पूरा जुम्मा छोड़, जुम्मा 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 की खिदमत नहीं करनी, चैलेंज जीतना तुमने, चलो। रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कैसे? मिकी माउस? अरे मीना माउस आप आइए बैठिए ना। कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास, A1। फर्स्ट क्लास? दर्द नहीं हो रहा? दर्द हो रहा था, पर आपको देखकर भाग गया। I'm sorry. Sorry किस लिए? मेरी वजह से आपका बाजू टूट गया। अरे नहीं नहीं, ये टूटा नहीं है, बस जगह से थोड़ा सा हिल गया। आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, मैं कल इसको खोल दूंगा। फिर भी हुआ तो मेरी वजह से है ना। मीना माउस, आपकी वजह से जो हुआ है ना, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, प्रोफेशनल नहीं लगता। लेकिन आपको ना उस रात को वापस आ जाना चाहिए था, सब वापस आ गए थे, इतनी रात को अंधेरे में अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी आपको। मामा कह रही थी वहां पे चीता भी था। मीना माउस, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता, बस सच पूछिए तो मैं, मुझे जरा बराबर भी पछतावा नहीं है। मैं क्या 100 शेरों से लड़ पड़ता। लेकिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्यों? मीना माउस, आपकी खातिर। और क्या? और बोले ना। मीना माउस, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तो आप मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करूंगा, आप हुक्म कीजिए। जुम्मा आपको क्या पसंद है? जुम्मन,
जुम्मन साहब आपकी जो भी ख्वाहिश हो ना आप मुझे बता दें, मैं पूरी कर दूंगा। मुझे निशाने हैं बच्चन, लेकिन उसके लिए तो आपको शहीद होना पड़ेगा। खैर जुम्मन साहब आप ये बताए कि आपको पहनने में क्या पसंद है? जो मैंने पहना हुआ है। जुम्मन साहब छुरी चलेगी? नहीं, गोला, टैंक का गोला। भुले हो जाए जुम्मन साहब, आप ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? जुम्मन साहब खुद कुछ हमला चलेगा? खामोश, ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आपकी खिदमत। जुम्मन साहब मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊं? लिया, लेकिन ये तो मैंने तकल्लुफन बोला था। देखा, इतना आसान काम नहीं है मुलाजिम बनना। एक अच्छा मुलाजिम अपने मालिक के बगैर कहे बात समझ जाता। मैं अपने बड़े साहब की रग रग से बात करता। अब मुझसे कोई ना पूछे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। खुद सोचे, रिसर्च करें और मेरी शख्सियत को जाने और फिर मेरी खुशी और सुकून के लिए कुछ करें। और मैं कल तक कुछ भी नहीं बताऊंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। समझे? यस सर। पर मुझे नहीं समझ आई है। मैं ड्यूटी देने जा रहा हूं, जब तक आप लोग सोच लिएगा। सोच लिया? क्या जुम्मन साहब आप मेरे साथ चले? किधर? मेरे कमरे में। अरे नहीं, मुझे ड्यूटी देनी है। अरे ड्यूटी को भूल जाइए, आ जाइए। आइए तो। मैं यकीन कीजिए मीना माउस, अगर मैं आपको जितवा सकता होता तो जरूर जितवाता। आपकी खातिर मैं अपना तो क्या इस दुनिया का हर उसूल तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुम्मा भाई के हाथ में। लेकिन तुम एक और काम कर सकते हो। जी बोलिए ना। किसी को बताना मत, मामा ने ना हमारा 3 करोड़ का चेक पापा को दे दिया और पापा वो चेक लेके भाग गए और पता नहीं कहाँ गए वो। वो ठीक तो है? वो तो ठीक है, कहीं नोट उड़ा रहे होंगे। चलो शुक्र है। शुक्र की बात नहीं है, मामा इतनी परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। बस एक बार पता चल जाए पापा कहाँ गए और वो चेक किधर गया, कहीं तो नहीं किसी बैंक शाखा में डिपॉजिट कर दिया। मीना माउस मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? कर सकते हो ना, तुम्हें इन चीज़ों का पता होता है, ये पेपर वर्क, बैंक चेक, इन सब का तुम्हें पता होता है। बताओ ना कुछ हो सकता है क्या? आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपकी उम्मीद पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं अभी जाता हूँ। अरे पूरी बात तो सुनते जाओ। महविश तू मुझे ये बता कि तेरे मियाँ के दिमाग में चल क्या रहा है? चवन्नी हैं? ये तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये क्या है? मुझे पता है जुम्मा साहब को क्या चाहिए। क्या? मुझे भी बताएं क्या चाहिए। बताएं नहीं, पता।
जुम्मा को चाहिए इज्जत, जैसे किसी साहब की होती है, जैसे घर के मालिक की होती है, जैसे कि मेरी है। मतलब ना होने के बराबर। इसलिए मैंने सोचा है आज से मैं जुम्मा और जुम्मा राहत साहब घर का बादशाह। और ये मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, दिल से आपकी सर्विसेज को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो मैं घर में निकम्मा बैठूं? यही तो काम है इसका। अरे बिल्कुल, आपके सारे काम मैं करूंगा, गेट पे ड्यूटी भी मैं दूंगा। बल्कि आज से आप घर के अंदर मेरे कमरे में सोएंगे और मैं आपके क्वार्टर में। आपको कबूल है राज साहब? कबूल है, बिल्कुल कबूल है। नहीं नहीं राज साहब, मुझे कबूल नहीं है। राज साहब नहीं, जुम्मा। और तुम जुम्मन मेरे साथ रहोगी क्वार्टर में। अब आप आराम कीजिए राज साहब, बल्कि जो चाहे कीजिए, मैं तो पहरा देने जा रहा हूँ। जुम्मा तुमने मुझे बहुत खुश किया है, अब जाओ, जाके मेरी महविश को भी ले आओ। मैं तो इधर हूँ। कभी दिमाग में इस्तेमाल कर लिया करो, अपनी मिसिस को बुला रहे हैं। तो आओ मेरे साथ। जा जा। यार राहत भाई इतने बुरा आदमी नहीं है। नहीं नहीं जुम्मा, मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। Such a nice day, है ना? It is. लेकिन कुछ करने को ही नहीं है। बोर हो गई? बोर नहीं हुई, बस कुछ करने को ही नहीं है, ना लड़ने को। अब तो चैलेंजेस की भी टेंशन नहीं रही। आई गेस मुझे ना एड्रेनलिन रश में रहने की आदत हो गई। यू कैन से बोर ही हो रही। क्या ख्याल है, बोरी दूर करते हैं? वो कैसे? बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं। मैं तुम्हें वो सारी जगह दिखाता हूँ जो मुझे पसंद है। फिर रात को एंड में कैंडल लाइट। परफेक्ट। चलो फिर। मैं ना तैयार हो गया थी, ठीक है? अरे सही तो लग रही हो, ठीक है बिल्कुल। ठीक काफी नहीं होता, आती हूँ मैं। अरे तो फिर हम भी चेंज करें। Thank you.
जुम्मन 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 किधर जान निकाल दी मेरी डरा के रखती है पागल चलो तुम्हें लेने के लिए आई हूं जुम्मा साहब याद करें हमारे कमरे में और किधर और हाँ अपना सामान लेके जाओ तुम लोग आज वहां शिफ्ट हो रहे हो और हम इधर मुझे नहीं पता ना क्यों तुम्हारी खिदमत हो रही है अभी तो पता नहीं और क्या क्या होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं अपना सामान लेके आती हूँ सही है सुनो 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 तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा एक बुर्का है मुझे चाहिए वो असल में मैंने तुम बने मेरा मतलब है मैंने जुम्मन बने अब ये मत पूछना क्यों है कि नहीं ठीक है मैं ना कल परसों तक वापस दे दूंगी ठीक है जी इधर मेरी बात कान खोल के सुन मैंने भी जुम्मा बनना है हाँ जैसे रात तेरा जुम्मा बन गया और तू रात का रात साहब ऐसे मैं जो हूं ना जुम्मा बन जाती हूँ और तू तमन्ना बीबी क्या एक और वर्दी होगी तेरे पास नहीं तमन्ना बीबी मैं तमन्ना नहीं बन सकता है क्यों नहीं बन सकता मैं मर्द हूँ हाँ तो क्या फर्क पड़ता है मर्द औरत औरत मर्द आजकल कोई फर्क है और फिर जुम्मा दो दिन की तो बात है नहीं 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 मैं नहीं करूंगा देख जुम्मा ये दो दिन तो ना गुजर जाने और तुझे पता नहीं है फिर मैं तेरे साथ करती क्या हूँ वो मजबूर औरत के ना गजब को तो समझता नहीं है बड़े साहब ने आप लोगों को मेरी खिदमत करने के लिए कहा था आप लोग तो मेरी बहन बजा रहे हैं और तू जो मुझे औरत समझ के तफरीक कर रहा है यहाँ नहीं तमन्ना बीबी वो बात नहीं है तो फिर क्या बात है मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकता तमन्ना बीबी तुसी भी ना बड़े कोई मजाक किया हो मेरे कपड़ों के ना करीब भी ना आइएगा आप इतनी जल्दी तमन्ना बीबी बना दिया हाँ ना माशाल्लाह माशाल्लाह बोले कुछ कहे ना क्या बोलूं मेरा नाम जुम्मा जुम्मा यस आइए तमन्ना बीबी उस जुम्मा को बता दीजिए कि आप तमन्ना बीबी हैं चले अरे आए तो हाय हाय ये देखे तमन्ना बीबी मैंने तो कहा था ना आपसे ये नौकरों को ना जरा लगाम दे के रखा करें और जुमे राज साहब और राज साहब नहीं तमन्ना बीबी हैं हाँ और मैं जुम्मा लेकिन जुम्मा तो मैं हूं आप दोनों जुम्मा हैं राज साहब ये तो बड़ी ज्यादती है पहले जुम्मा मैं बना था तमन्ना ये मेरा आइडिया है ओ तमन्ना नहीं जुम्मा बोल जुम्मा खामोश जुम्मा तमन्ना बीबी ये आपने मुझे बोला है या इसे हाँ इस तरह तो बड़ी कंफ्यूजन हो जानी है खामोश जुम्मो मैं आप दोनों को खुश नजर आ रहा हूँ ऐसे होती है खिदमत मेरी कोई तारीफ करो मुझे कुछ वैल्यू दो आप दोनों हाय तमन्ना बीबी आपकी क्या बात है आपकी तो जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है आप इतनी हसीन है और चेहरे पे नूर तो देखो कितना नूर है हाय खाक नूर नहीं है राज साहब क्या पर्सनैलिटी आपकी क्या ठाट है और कौन सी ठाट हाँ तमन्ना बीबी आपके
आपके चेहरे से तो निस्मानियत टपक टपक के गिरती है और जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे लबों से फूल झड़ रहे। कोई फूल नहीं झड़ते राज साहब, आप जब बोलते हैं ना तो गरजते हैं, दुनिया रुक जाती है। क्या रोब है आपका। और जुम्मा तूने अपना टेढ़ा देखा है हाँ? ऐसा लगता है जैसे जुम्मा हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध पूरे का पूरा हफ्ता लेके फिर रहा अपने टेढ़े में। जुम्मा तू भी दो नंबर फौजी है, सारी दुनिया जानती है। जुम्मा तू तो ना फौज के नाम पे काला स्याह दबा है। जब तू परेड करके धूल उड़ाता ना तो ऐसा लगता है कोई पंजाबी हीरोइन नाच रही है। ओ जुम्मे तू अपनी औकात में रहे। तू भी अपनी औकात में रहे, मत भूल के तू एक नौकर है। तू भी इस घर की नौकरानी है, कनीज है तू, कनीज। ओ जुम्मा तू तो कीड़ा है कीड़ा, इतना सा कीड़ा नाली का कीड़ा। और जा जा जाके ना गेट पर ड्यूटी दे अपनी। खामोश।